सो गाइस 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आप सभी को बताना चाहता हूं कि 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी हम चैलेंज स्टार्ट करें, देखो चैलेंज स्टार्ट करने के बाद ना वो जोश आता है, वो करने का मन करता है कि भाई हम भी स्टडी करें, तो कहीं ना कहीं वो जो जोश ठंडा हो गया, वो ठंडा जोश ना फिर से गर्म हो जाता है और पढ़ने का मन करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी वैसा चैलेंज हम लाए, तो कमेंट जरूर कर देना गाइस कि सर हाँ हमें भी चाहिए, हक के साथ और जम के कमेंट होना चाहिए, जैसा हमने 11th और 12th वालों ने किया ना, वैसे आपसे भी रिस्पांस चाहिए। अब गाइस यहां ऐसा मानते हैं कि अभी तक आपकी जीरो स्टडी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, आज 1st अक्टूबर है और आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, तो भाई जो बताने जा रहा हूं ना, अगर आप उस तरह से करना स्टार्ट कर दोगे तो 31st अक्टूबर को आप पता है कहां पाओगे कि अपने से यहां अभी जीरो कंसीडर कर रहे थे, वहां अपने आपको हीरो कंसीडर करोगे। और देखो टेंथ में ना भाई इतना भी ज्यादा पढ़ना नहीं रहता, टेंथ में हमने तो अगर आपने देखा होगा, आपको पता होगा, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को पहले से फॉलो किया होगा आपको पता ही होगा कि हमने कितने बच्चों का था बोर्ड एग्जाम के टाइम एक एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, उनको भी हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। आपके पास तो फिर भी बहुत टाइम है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो किया, तो भाई बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देखो भाई सबसे पहली बात, कोई किसी का टाइम टेबल कभी नहीं बना सकता। हाँ एक टाइम टेबल दे सकता है, पर उसको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है कि आप किस समय फ्री हो, किस समय बिजी हो, किस समय क्या कर सकते हो, किस समय क्या नहीं कर सकते, ये चीज बस आपको ही पता है। तो गाइस हर चीज को लाइफ में हर चीज को बैलेंस करके अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना रहता है। देखो आने वाले टाइम में अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा और नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, और दिसंबर के अंदर गाइस बहुत सारे स्कूलों में प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बस आपके पास जो पढ़ने का असली टाइम है ना, ये अक्टूबर और नवंबर ही है। इसमें आप जम के स्टडी कर सकते हो भाई, अक्टूबर नवंबर में ना पढ़ने के साथ ही बहुत सारे फेस्टिवल भी है, तो हमें फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है और उसके साथ ही अपनी इन चीजों को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। क्यों गाइस हमें जीरो से क्या बनना है, हीरो बनना है, बनना है कि नहीं बनना है, बनना है ना भाई, कमेंट करना कि हाँ सर हीरो बन के दिखाएंगे। तो अब चलो जो चीजें बता रहा हूं उस पर फॉलो उस पर करना, और भाई अपने चैनल जो मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया उसको ज्वाइन कर लो, और खुद का जो टेलीग्राम का लिंक 10th स्टैंडर्ड का बनाया उसको ज्वाइन कर लो। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना मिले अगर वो ज्वाइंट आप नहीं किया, तो बहुत सारी चीजों से आप पता चले आपको पता ही नहीं चले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। देखो गाइस अब मंडे से मैं कंसीडर करता हूं, मंडे से लेके मैं फ्राइडे तक का लेता हूं, फ्राइडे मंडे से फ्राइडे गाइस, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्कूलों में सैटरडे या संडे का छुट्टी रहता है, जिनका नहीं रहता उसके बारे में बताऊंगा। डेली गाइस आपका टारगेट ये होना चाहिए, जब आपका स्कूल है तो उस दिन एटलीस्ट कम से कम 4 आवर्स आपकी स्टडी होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए। और ये जो 4 आवर्स है इसके अंदर ये नहीं कि आपको होमवर्क करना है, ऐसा कुछ नहीं, और इन 4 आवर्स में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो गाइस आपका मैथ ले लो, देन इसके बाद साइंस ले लो, देन साइंस के बाद SST ले लो। मैथ के एटलीस्ट कम से कम आपके डेली 5 क्वेश्चंस अलजेब्रा के, ओके, और 5 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के, ये होना चाहिए। और साइंस 1 और 2 की बात करूं तो इनके भी 5 क्वेश्चंस, इनके भी 5 क्वेश्चन, अगर इनके 3-3 क्वेश्चन करोगे तो भी चल जाएगा, और कहां से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 3-3 क्वेश्चन SST में एक दिन आप हिस्ट्री ले सकते हो, और एक दिन पॉलिटिकल ले सकते हो, और एक दिन ज्योग्राफी ले सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। तो हिस्ट्री के डेली 5 क्वेश्चन, देन पॉलिटिकल के डेली 3 क्वेश्चन, और यही सेम दूसरे दिन ओनली ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चंस, इस तरह से आपको करना है। और गाइस साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेजेस की बात, अगर मैं हिंदी इंग्लिश एंड मराठी ये तीनों की अगर बात करूं, तो तीनों के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेली जो अपने ग्री ट्यूटोरियल पे जो वीडियोस हमने बनाए हैं बस उसको अगर आप देखोगे ना तो भी आपका काम हो गया, वो भी काम हो गया, क्योंकि लैंग्वेजेस में आप देख गारंटी दे रहा हूं अगर आपने GT का जो लैंग्वेजेस के वीडियोस है उनको देख लिया, आपको कुछ भी नहीं इधर उधर भागने की जरूरत है। हाँ
अगर आपको चाहिए कि सर हर चैप्टर का कुछ शॉर्ट में वीडियो लाओ जिससे हमें चैप्टर भी समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा हमारी हेल्प हो, तो इसके लिए भाई कमेंट करो। आपके ना आपका जो मतलब पावर है वो बाकी क्लास के कंपैरिजन थोड़ा लो हो रहा है, तो इससे हमारे अंदर भी वो जो फीलिंग है ना भाई, जो जोश है वो कम हो जा रहा है। तो भाई अपना सपोर्ट दिखाओ, देखो फिर क्या से क्या कर देते आपके लिए, आगे लगा देंगे, सस्ता मिला देंगे हम। तो हिंदी के इंग्लिश इसमें क्या करना है, एक एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करनी, पर इसको डेली नहीं करना है। एक दिन मंडे के दिन हिंदी ले लो, फिर इसके बाद ट्यूसडे के दिन इंग्लिश ले लो, वेनसडे के दिन मराठी ले लो, इस तरह से। बट गाइस डेली इसमें क्या करना है, इसमें डेली 20 मिनट्स आपको क्या करना है, गिरी ट्यूटोरियल पे एक दिन हिंदी का जो हमने ग्रामर का वीडियो बनाया है, जो राइटिंग स्किल का वीडियो बनाया, उसको देखना है और उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है। अगर इस तरह से आपने कर लिया तो भाई आपकी तो बल्ले बल्ले। अब बात करते हैं सैटरडे एंड संडे। जिन बच्चों का स्कूल है, जिन बच्चों का नहीं है, उनका तो 4 आवर सुबह एंड 4 आवर शाम को इस तरह की स्टडी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर करना, अगर नहीं, अगर कितना चाहते हो भी चलो मैं बता देता हूं, अगर इतना ही चाहते हो तो इतने घंटे पढ़ोगे तो भी चलेगा, वही बता रहा हूं। और संडे के दिन भी सेम रूटीन आपको करना है, और ये सेम रूटीन के दिन आपको क्या करना है, जो पूरा आपने जो पूरा मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी पढ़ा है उस दिन आपको रिवाइज भी करना है, संडे एंड सैटरडे के दिन रिवाइज भी करना है। पर रिवीजन का एक तरीका और बताता हूं गाइस, देखो मैं और राहुल सर जब थे तो हम लोग क्या करते थे कि आज जो मैंने पढ़ाना, जब मैं कल जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता था तो मैं क्या करता था कि आज जो मैंने पढ़ा था वो कल जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो 15 मिनट में आज वाले पे टाइम देता था, फिर जब मैं परसों पढ़ना स्टार्ट कर रहा था तो आज और कल जो मैंने पढ़ा था वो उस दिन फिर 15 मिनट पे टाइम देता था, जिससे क्या होता था मेरा डेली रिवीजन होता था। और एक दिन मैं ऐसा रखता था कि उस दिन पूरा का पूरा चीज रिवाइज पहले करता था फिर कुछ नया स्टार्ट करता था। तो सैटरडे संडे के दिन आप ये कर सकते हो कि पूरा आपने मंडे से लेके फ्राइडे तक जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, पर रिवीजन जैसा मैंने बताया वैसे भी करो और उस दिन भी करो भाई, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों का हो सकता है सैटरडे के दिन कॉलेज मतलब स्कूल ना हो, तो मतलब स्कूल जिनका हो तो वो कैसे करेंगे, तो भाई वो उस दिन बिना आप ये 4 घंटे वाला जो रूटीन है ना, ये 4 घंटे वाला रूटीन उस दिन आप कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस देखो, अगर आप चाहते हो अब वो 90% स्कोर करना, तो भाई आपका जो टारगेट ना 4 to 5 hours होना चाहिए। अगर आप इतना पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भाई बहुत है। अगर आप चाहते हो कि 80% स्कोर करना है, 80% स्कोर करना भाई अपना 80% है, तो भाई आप इसको 3 से 4 घंटा करोगे तो भी आप आराम से जाएगा, 2 से 3 घंटा। पर अगर आप चाहते हैं 70% तो 1 से 2 घंटा बहुत है। और गाइज हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने लेक्चर्स है, और भाई सी फिर से बता रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, पहले पता लगाओ सच में उन्होंने पिछले इतने सालों में कभी कुछ किया है, और क्या कि सर बस भाषण दे रहे हैं, उन्होंने खुद स्कोर किया कि बस बोले जा रहे हैं, तो ये सभी चीजें बहुत मायने करती है कोई भी चीज फॉलो करने के लिए, समझ में आ रहा है। तो भाई ये चीजें मैंने बताई है, इनको जरूर फॉलो करना, और जरूर फॉलो करने के साथ ही जितना हो सके वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।